नमस्कार, किचनेटी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है होली स्पेशल गुजिया। इस गुजिया को हम चाशनी से तैयार करने वाले हैं। पहले गुजिया के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में डालेंगे एक चम्मच घी। घी हल्का गर्म हो जाने पर इसमें हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू। इसे थोड़ी देर चलाकर भून लेंगे। बादाम और काजू भून गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक कप डेसिकेटेड कोकोनट। सभी ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ ही गुजिया को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसी पैन में ही आधा कप सूजी डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। सूजी अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे निकालकर एक दूसरे प्लेट में रख लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे 200 ग्राम मावा। मावा को थोड़ी देर तक धीमी आंच पर भून लेंगे। इस मावा को मैंने घर पर ही तैयार किया है। घर पर आसानी से मावा कैसे तैयार करना है इसकी रेसिपी भी हमने डाल रखी है, आप ऊपर आई बटन में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। गुजिया की स्टफिंग बनाने से पहले मावा को इस तरह फ्राई कर लेने से गुजिया को काफी दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। मावा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ सूजी, बारीक कटे हुए किशमिश। सूजी और मावा को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब गैस को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में लेंगे 3 कप मैदा। मोयन के लिए डालेंगे 1/4 कप घी, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी का पाउडर डालकर मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में से थोड़ा पोर्शन लेकर उसे इस तरह बाइंड करने से यह बाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, गुजिया के लिए हमें सख्त डो तैयार करना है। डो अगर लूज हो गया तो स्टफिंग करने में दिक्कत होगी। डो रेडी हो गया है, इसे अब एक गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। चाशनी तैयार करने के लिए एक पैन में डालेंगे 200 ग्राम चीनी और 1 कप पानी। तेज आंच पर इन्हें तब तक हम पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है। चीनी घुल गई है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर पका लेंगे। फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 3 इलायची जिन्हें मैंने हल्का क्रश कर लिया था। चाशनी हल्की गाढ़ी हो गई है, अब इसे चेक करने के लिए एक स्पैचुला में निकालकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसे उंगलियों के बीच में इस तरह चेक कर लेंगे। चाशनी में कोई तार नहीं बन रही है, लेकिन यह तेल के जैसी हल्की चिपचिपी और गाढ़ी है। चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है, इससे ज्यादा हमें पकाना नहीं है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मावा वाला स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी का बूरा। आप इसकी जगह पर चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे हो गए हैं, डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम दोबारा फिर से गूंथ कर मुलायम कर लेंगे। डो को इस तरह से रोल करके बराबर भागों में काट लेंगे। कटे हुए डो को हाथों से इस तरह रोल करते हुए इनके ले तैयार कर लेंगे। अब एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा और थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला बैटर तैयार कर लेंगे। तैयार बैटर से गुजिया को हम सील करेंगे। अब एक ले लेकर इसे पूरी के जैसे बेल लेंगे। इस गुजिया के लिए शीट को थोड़ा मोटा बेला जाता है क्योंकि इसे हमें चाशनी में डिप करना होता है। गुजिया के लिए शीट तैयार है। शीट के आधे पोर्शन में मैदे वाला घोल लगा लेंगे। पानी की जगह मैदे वाला घोल लगाने से गुजिया अच्छे से सील हो जाती है और तलते समय यह फटती भी नहीं है। अब शीट के बीचों बीच स्टफिंग को इस तरह रख देंगे। स्टफिंग उतनी ही रखें जिससे कि गुजिया आसानी से सील हो जाए। एक तरफ से शीट को हल्के हाथों से उठाकर दूसरे किनारे पर रख देंगे। अब गुजिया के किनारों को उंगलियों से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। डिजाइन बनाने के लिए गुजिया के एक किनारे को अंदर की तरफ हल्का सा दबा देंगे और इसे पिंच करते जाएंगे। इसी तरीके से इसे हमें लास्ट तक मोड़ते हुए डिजाइन बना लेना है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने से ये डिजाइन बड़ी आसानी से बन जाती है। एक गुजिया को बनाकर हमने तैयार कर लिया है, इसी तरह से बाकी के सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तैयार गुजिया को सूखे कपड़े से ढककर रखेंगे जिससे कि वे सूखे नहीं। गुजिया तैयार है, अब इन्हें तल लेते हैं। गुजिया तलने के लिए तेल को हल्का गर्म करेंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक कर गुजिया डाल देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुजिया डालने से तुरंत तेल के ऊपर यह नहीं आ रहा है। तेल हमारा इतना ही गर्म होना चाहिए। ज्यादा गर्म तेल में गुजिया तलने से अच्छे से पकेगी नहीं और ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे। गुजिया एक तरफ से हल्का गुलाबी हो गया है, अब हम इन्हें दूसरी तरफ भी पलट कर तल लेंगे। गुजिया को तलते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। गुजिया को लो फ्लेम में पकाने के लिए 5 से 6 मिनट का समय लगता है। गुजिया का कलर हल्का सुनहरा हो गया है, अब इन्हें हम एक जाली के ऊपर निकालकर थोड़ी देर रख लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे बचे गुजिया को भी तल कर रख लेंगे। गुजिया जब अच्छे से ठंडी हो जाए तो इन्हें हम चाशनी में डालेंगे। मावा गुजिया कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी भी हमने डाल रखी है, आप इसे ऊपर आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। गुजिया और चाशनी दोनों ही ठंडे हैं। अब इस स्टेज पर हम चाशनी में गुजिया डाल देंगे। गर्म चाशनी में गुजिया डाल देने से वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको क्रिस्प गुजिया पसंद है तो गुजिया ठंडा हो जाने के बाद उन्हें
चाशनी में ऐड करें और 2 से 3 मिनट चाशनी में गुजिया को डिप करने के बाद उन्हें बाहर निकाल लें और सर्व करें। इस होली पर मेरे बताए प्रोसेस से आप भी चाशनी वाली गुजिया को घर पर ही तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।